ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने आईपीएल पर ऑनलाइन सट्टा पकड़ा है। शहर के हरिशंकरपुरम इलाके में चल रहे अड्डे पर क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर तीन बुकी को गिरफ्तार किया है, जो हब 99 लिंक के जरिए अपने खास ग्राहकों को ऑनलाइन सट्टा खिला रहे थे। कार्रवाई के दौरान क्राइम ब्रांच ने यहां से 19 लाख की नकदी, लैपटॉप और अन्य सामान बरामद किया है। दरअसल ग्वालियर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से खबर मिली थी कि हरिशंकरपुरम में आईपीएल पर ऑनलाइन सट्टा चल रहा है। खबर मिलते ही क्राइम ब्रांच टीम मौके पर पहुंची। यहां टेलीविज़न पर मैच चल रहा था। वहीं मौके पर ग्वालियर निवासी रजत अग्रवाल, मोहित अग्रवाल और संदीप मित्तल बैठकर सट्टा बुक कर रहे थे। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि आईपीएल मैच पर सट्टा बुक कर रहे थे। लैपटॉप पर हब 99 लिंक के जरिए कई ग्राहक ऑनलाइन सट्टा लगा रहे थे। घर की तलाशी में इनके पास से 19 लाख रुपए की नकदी, तीन मोबाइल, लैपटॉप बरामद किए गए। ये क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए हरिशंकरपुरम से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम मोहित, रजत और संदीप हैं। और जो ये आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं, इसका ये सट्टा लगवा रहे थे। इनके पास से एक लैपटॉप, तीन मोबाइल और कुल 19 लाख रुपए की जब्ती हुई है। और ये एक लिंक हब 99 को शेयर करके और क्लोज सर्किल में ये आईपीएल का सट्टा खिलवा रहे थे। इसमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिस पे क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया है। इनसे जब्त जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इनको हम फोरेंसिक्स में और साइबर में जांच करवा रहे हैं, जिससे कि ये पूरी लिंक पता चल पाए कौन लोग और जुड़े हैं तथा इसका उतारा और कहाँ होता है। और कुल मिला के ये आईपीएल जो चल रहा है मैचेस, इसमें एक बहुत बड़ी कार्रवाई क्राइम ब्रांच ने की है और मुझे लगता है इसके बाद हम काफी हद तक इसके सिस्टम को तोड़ पाने में सफल होंगे। उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ क्राइम ब्रांच ग्वालियर ने सट्टा अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। साथ ही क्राइम ब्रांच आईपीएल के ऑनलाइन सटोरियों का नेटवर्क भी खंगालने में जुट गई है। ग्वालियर से सनी गांगुली की रिपोर्ट।